अब कौन सा टॉपिक होगा? इससे पहले कुछ ही पढ़े, थर्मल स्ट्रेस, अब होगा थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी, ठीक है, तापीय क्षमता, तापीय क्षमता, कहीं कहीं इसको लिख देता है हीट कैपेसिटी, तो घबराइएगा नहीं कि मास्टर साहब ने बोला था कि हीट और टेम्परेचर में अंतर है, अंतर है, लेकिन ताप टेम्परेचर कब आएगा? जब तक हीट नहीं होगा तब तक टेम्परेचर नहीं आएगा, तो जितना हीट का क्षमता होगा, जितना हीट करोगे टेम्परेचर उतना बढ़ेगा, तो इसको कहीं कहीं बुक में लिख देता है हीट कैपेसिटी, इसलिए घबराइएगा नहीं, हीट उसमें इसको कहा जाता है उसमें क्षमता, ठीक है। अब क्षमता, क्षमता का मतलब क्या होता है? पावर, कहता नहीं कि देख ले वो कितना पावर हुआ के करिया, दो सब्सटेंस लीजिए जिसका मास सेम हो, है ना, द्रव्यमान सेम हो, मान लिया कि एक एल्युमिनियम ले लिया और एक लोहा ले लिया, 50 डिग्री सी पर, 50 डिग्री सेल्सियस पर दोनों को हमने गर्म किया, सेम टाइम, उतना ही टाइम के लिए गर्म किया, तो टेम्परेचर तो दोनों में सेम है, समय भी उतना ही है। अब उसको क्या करें कि एक बर्फ के सिल्ली पर आप रखिए, तो एल्युमिनियम को रखिएगा तो बर्फ बहुत जल्दी जल्दी पिघलना शुरू हो, और लोहे को रखिएगा तो बर्फ धीरे धीरे पिघलना शुरू होगा, जबकि टेम्परेचर तो दोनों में सेम दिया गया है, दिया गया कि नहीं दिया गया है। तो ये समझाने का मतलब क्या हुआ कि क्षमता जो है निर्भर करता है थर्मल टेम्परेचर, डिपेंड ऑन पहला मास ऑफ सब्सटेंस, दूसरा चेंज इन टेम्परेचर, और तीसरा क्या होगा, तीसरा एक एल्युमिनियम था और एक लोहा था, नेचर ऑफ सब्सटेंस, एल्युमिनियम का नेचर अलग होगा और लोहा का नेचर अलग अलग, सबका नेचर अलग अलग होता है। तो सबसे पहले तो इसमें नोट कीजिए आप कि थर्मल कैपेसिटी, कैपेसिटी डिपेंड ऑन, है ना, डिपेंड ऑन थर्मल कैपेसिटी डिपेंड ऑन, यानी तापीय क्षमता निर्भर करती है, तापीय क्षमता, इसका हिंदी क्या हुआ, तापीय क्षमता निर्भर करती है, किस पर, नंबर वन किस पर निर्भर करेगी जी, हम क्या बताए हैं पहले, मास और ऑफ सब्सटेंस, अगर ई मरी तो एकरा के जलावे में तो एक मन लकड़ी में स्वाहा, 50 ग्राम के, एक मन कितना, 40 केजी, ये एक क्विंटल लगेगा, एक क्विंटल में स्वाहा हो जाए तो एक में 3 क्विंटल लगी, कम से कम 4 क्विंटल तब न स्वाहा, तो दोनों के मास में डिपेंडेंट है कि नहीं, ऐसा बात नहीं हो, ऐसा ही बात है, जब मोटा ताजा आदमी रहता है तो देखते हो लकड़ी खरीदाने जाता है तो लोग कहता है कि नहीं 9 मन ले लो 7 मन ले लो 9 मन ले लो, न तलाश बच जाए, डेढ़ लाठी थोड़ थोड़ के जलाता है, उस पर कार्बन पकड़ है, लकड़ी तुम जलाती हो कोई चूल्हा में लकड़ी जलाई हो कभी, जलाती हो तो जलते जलते उसका लौ कम हो जाता है फ्लेम, तो क्या करती है लकड़ी, झाड़ देता है लकड़ियों को, तो फिर जलने लगता है, उस पर जो कार्बन पकड़ लेता है कार्बन झड़ जाता है, तो लाश जब जलाया जाता है तो उस पर कार्बन जम जाता है, तो लाठी से मारता है झड़ता है तब वो, है ना। तो देखिए डिपेंड ऑन किस पर, सबसे पहला इधर मास ऑफ सब्सटेंस, है ना, मास यानी पदार्थ
द्रव्यमान पद जो लोग जो भन भना रहा है उसका भी आवाज इसमें जाता होगा और जितना आदमी देखेगा कहेगा कि कैसन कुकुर लड़किया के पढ़ा रहा। अब कुकुर के साथ कहीं सीआर जोड़ दिया तो बस पूछो कि कितना में हो जाएगा। दूसरा चेंज इन टेम्परेचर है ना, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना डालेंगे उसका टेम्परेचर, हीट जितना करेंगे उतना ही टेम्परेचर बढ़ेगा। तो निर्भर किस पर करेगा, ताप में परिवर्तन पर है ना। और तीसरा क्या बच गया, नेचर ऑफ सब्सटेंस। तुम कितना समझ रही हो तुम्हारे ब्रेन पर, तुम्हारे नेचर पर निर्भर करता है। बहुत का नेचर होता है कि हम पढ़ा रहे हैं तो अटेंशन होकर उसको समझेगा, बहुत का होता है कि कहीं पे निगाह है या कहीं पे निशाना। जब यहीं पे निगाह है और यहीं पे निशाना रहेगा तभी समझ में आना हो, नहीं तो कुछ नहीं समझ में, यहीं से स्लिप करके चला जाएगा। तीसरा क्या है, नेचर ऑफ सब्सटेंस है ना, पदार्थ की प्रकृति पर। ये तीन चीजों पर निर्भर करता है कौन, किसी की चीज की कैपेसिटी। आपको मारने के लिए उसको कह दे हो 50 ग्राम के एकरा के धकेल के आओ तो ओकरा से धकेलता है खा मार जैसे खड़े रह जाते हैं, एकरा के कह दे कि दिन धक्का मारी धक्का की छिटा दे। तो नेचर क्या हुआ, इसके मास पर द्रव्यमान पर निर्भर किया ना कि नहीं किया। अब नेचर कहीं के रे ओकरा के मार क्या था तो उसको बह जाए नहीं बह जाए, और कौनों के भतियारा पर कह ले कि पराई देखने जाके खींच के चले, उसके नेचर पर निर्भर करेगा और नहीं करेगा। तो अब क्या बोले, बोलो तो मान लीजिए थीटा, ये थीटा को हम क्या माने हैं, शायद हीट चैप्टर में आपको थीटा मिला होगा। थीटा को हम क्या माने हैं, बोलबे ना करते हैं। रिक्वायर्ड हीट, आवश्यक उष्मा चाहिए कि नहीं जी बोलो, टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए उष्मा चाहिए, आवश्यक उष्मा होगा कि नहीं। अब चलिए इसमें हम मान लेते हैं डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर, ये हीट हुआ और टेम्परेचर तबे होगा जब हीट आएगा है कि नहीं। तो हम इसको थर्मल कैपेसिटी को क्षमता को किससे इंडिकेट करते हैं, एस से होगा ना। एस बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब बताओ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, इधर एस एस क्या है, कैपेसिटी है ना, किस चीज का, टेम्परेचर का या हीट का। तो आई चेंज इन टेम्परेचर आई तो क्या होगा, हीट पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर है, क्या है रिक्वायर्ड हीट, हीट रिटन हीट। और तुम्हारा क्या था जी, हीट रिक्वायर्ड हीट है ना। तो एस बराबर क्या हुआ, एस किसको कहते हैं, थर्मल कैपेसिटी को, क्या होगा हीट पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो इसको हम ले अगर कह दें कि इफ डेल्टा टी इज 1 डिग्री सेल्सियस पर यूनिट है
पर यूनिट है कि नहीं, तो पर यूनिट को वन ही ना मानते हैं, तो वन डिग्री सेल्सियस देन एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा या नहीं, यहाँ वन हो जाएगा तो एस इज इक्वल टू क्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब इसका यूनिट क्या होगा, यहां से चलते हैं, यहां से इसका यूनिट देख के बताओ तो इसी से पता चल जाएगा तुमको कि इसका यूनिट क्या होगा। अच्छा ठीक है, चलो पहले एक चीज और, ये तो हम दे दिए एस इज इक्वल टू क्या हुआ क्यू है ना, तो अगर हम कहें कि हीट कैपेसिटी को या थर्मल कैपेसिटी को डिफाइन करो, तब कैसे डिफाइन करेगा इसका परिभाषा? ये तो हमने बताया कि थर्मल कैपेसिटी डिपेंड ऑन, थर्मल कैपेसिटी निर्भर करता है किस किस चीज पर, अगर इसको हम कह दें कि इसको डिफाइन करो तब कैसे डिफाइन करेगा? चलो इसको नोट करो, तब हम डिफाइन करते हैं। क्या दोगे परिभाषा? द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट टू राइज द टेम्परेचर बाई कितना डिग्री, अमाउंट ऑफ हीट टू राइज द टेम्परेचर बाई वन डिग्री सी ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड थर्मल कैपेसिटी। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, एक जगह साइड में लिख लो पहले हिंदी, किसी पदार्थ का तापमान एक वन डिग्री सी तक बढ़ाने के लिए, किसी पदार्थ का तापमान वन डिग्री सी तक बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा उष्मीय क्षमता कहलाती है। देखिए किसी पदार्थ का तापमान टेम्परेचर कितना डिग्री तक, इधर देखो ध्यान दो, इधर वन डिग्री सी तक बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा जो है क्या कहलाता है, थर्मल कैपेसिटी। अगर हम कह दें कि बेटा पकौड़ी लाल इसका एसआई यूनिट बताओ, एसआई यूनिट बताओ, तो क्या बताओगे, एसआई यूनिट इसका क्या होगा, अभी जो हिंदी लिखा है किसका, इसका हिंदी था, लिख लियो ना ठीक है, एसआई यूनिट क्या होगा, अरे अरे ठक्कन ट्यूबलाइट जिलेबी के छोड़ बेमान, इसका क्या होता है जूल, आई क्या है टेम्परेचर का क्या डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन, दोनों में एक कोई भी दोगे दोनों एक साथ तो होगा नहीं, तो हम क्या देंगे डिग्री पर यूनिट डिग्री सी, ऊपर जाएगा बटा में है तो पर हो जाएगा, या नहीं तो जूल डिग्री पर डिग्री केल्विन हो गया एसआई यूनिट। अगर पूछ दें कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा जी, वन डिग्री सेल्सियस, क्या बात है, हम डायमेंशनल पूछ रहे थे कर रही है वन डिग्री सेल्सियस, क्या होगा इसका, होता है एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर पर केल्विन, ठीक है एम एल टी स्क्वायर पर केल्विन, याद रखिएगा इस चीज को, या पर सेल्सियस भी हो सकता है, यहाँ सेल्सियस भी बुक में अगर सेल्सियस दे दे सी तो घबराइएगा नहीं, हमने आपको क्या बोला टेम्परेचर को या तो डिग्री सेल्सियस में या केल्विन में मापा जाता है, केल्विन में कितना है 273 है कि नहीं, और अपर लिमिट क्या है 373.15 है, 15 को हटा दिए गोली मारे पॉइंट के बाद, ठीक है चलिए इसको नोट कीजिए, ये खत्म।